भारतीय सेना ने चलाई जन जागरूकता अभियान। वाराणसी में भारतीय सेना ने जन जागरूकता अभियान की मुहिम भारतीय सेना की यूनिट गंगा टास्क फोर्स ने आज वाराणसी पांडेपुर में अनोखी मुहिम छेड़ी गंगा टास्क फोर्स ने आज विश्व पर्यावरण हेल्थ दिवस के उपलक्ष्य में स्कूली छात्रों को जागरूक किया। इस जागरूकता अभियान में सेना के मेजर LN जोशी और कनिष्ठ अधिकारी सूबेदार महेंद्र यादव और सुधाकर महिला PG कॉलेज की प्रिंसिपल और उनके शिक्षकगण और बालिका इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल और उनकी शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। मुहिम में वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए छात्रों को सेना के अधिकारियों ने विस्तार से बताया और छात्रों को सेना के अधिकारियों ने बताया कि इस तरीके से हम गंदे नाले के पानी को बायो रेडिएशन करके साफ कर सकते हैं। यह परिवर्तन का तरीका छात्रों को बहुत ही विस्तार तरीके से समझाया गया। सेना के सूबेदार महेंद्र यादव ने बताया कि आज विश्व बेटी दिवस भी है और इस बेटी दिवस के उपलक्ष्य में आज हमारी यूनिट का सौभाग्य है कि बालिका इंटर कॉलेज की छात्राएं जो हमारी बेटी के समान हैं और सुधाकर महिला PG कॉलेज की छात्राएं आज हमारे साथ इस जन जागरूकता अभियान में शामिल हुई हैं, तो मैं इन सभी छात्राओं का भारतीय सेना की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही अधिकारी ने बताया कि हम गंगा को साफ रखने के साथ साथ जो शहर से नाले आते हैं और शहर में जो ओपन कराकर कचरा फेंका जाता है उसको ओपन में नहीं फेंके और उसको डस्टबिन में ही डालें और घरों में बच्ची पूजा सामग्री को भी गंगा में विसर्जित ना करें, उससे कंपोस्ट खाद बनाकर पेड़ पौधों में डालकर अपने पर्यावरण को बढ़ावा दें। देखिए वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो कि सबके मन में यही क्वेश्चन होता है कि ठीक है गंगा में पोल्यूशन हो रहा है या नदी नालों में पोल्यूशन हो रहा है तो मैं ही क्यों करूं, है ना। मेरे को तो ठीक ठाक है, मेरे को पानी RO का मिलता है, फिल्टर का मिलता है, मेरे को खाना आजकल सारी कंपनी का अच्छा वाला मैं खाना खाता हूँ, तो मेरे को तो इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेरे को पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी वो अदा कर सकता हूँ, पॉल्यूशन का इस्तेमाल ना नहीं करूँगा, बोलते सब लोग हैं लेकिन करते हम सब लोग हैं। लेकिन जब तक अगर मन में आप लोग एक डिसीजन नहीं बनाओगे, संकल्प नहीं लोगे, तो तब तक कुछ नहीं होगा। तो आपके लेवल पर आपने पॉल्यूशन यूज़ नहीं करनी है पहली बार, ठीक है। इसके अलावा जो केमिकल्स हैं जैसे साबुन है, डिटर्जेंट है, बहुत सारा सब में केमिकल्स हैं, ये इसमें फॉस्फेट नाइट्रेट सारा कुछ होता है, यही घिसते रहिए, बाहर घिसते रहिए। देखिए हम गंगा टास्क फोर्स के नुमाइंदे हैं। गंगा टास्क फोर्स इंडियन आर्मी की एक ऐसी यूनिट है जिसे भारत सरकार ने गंगा से रिलेटेड टास्क को करने के लिए रेज किया हुआ है। इसमें हम बहुत सारे काम करते हैं, उसमें एफॉरेस्टेशन है, इसके अलावा रिवर वाटर पोल्यूशन मॉनिटरिंग है और जो एक्वेटिक लाइफ है उसका प्रोडक्शन है और बहुत सारे टास्क हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज ये जो हमारा प्रोग्राम है यहाँ पे, ये बेसिकली दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही है। एक है हमारा वर्ल्ड रिवर्स डे और दूसरा है वर्ल्ड इन्वायरमेंटल हेल्थ डे। ये हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमारे नदी नाले साफ नहीं रहेंगे तो हम भी बीमारी मुक्त नहीं रहेंगे। सेम अगर हमारा पर्यावरण इन्वायरमेंट आसपास का साफ नहीं रहेगा तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ेगा, हम वही बीमार होंगे, वही गलत गंदी प्रदूषित हवा में प्रदूषित पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग भी बीमार होंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर आए हैं। चक जो पांडेपुर का जो तालाब है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, इसका हिस्टोरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंस है। लोग बोलते हैं कि ये पूरा का पूरा पंचकोशी यात्रा के दौरान रहने का, लोगों के यात्रियों के रुकने का ही इंपॉर्टेंट जगह थी। यहाँ पे लोग रुकते थे और कुछ देर के विश्राम करने के बाद पेड़ों के नीचे छाँव में विश्राम करते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने इन दो दिवसों एक दो दिवसीय कार्यक्रम का हमने आयोजन किया है। इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि पांडेपुर तालाब के एक तो इससे इसकी सफाई से रिलेटेड हम लोगों को अवेयर करेंगे, दूसरा इसके सफाई का अभियान भी हम अपने जिम्मेदारी पर उठाएंगे और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको इन्वॉल्व करेंगे ताकि जो इसके डायरेक्ट जिनके ऊपर प्रभाव पड़ना है वो लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हों। और एक बार अगर लोकल पॉपुलेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई तो उसके बाद इन चीज़ों का ये पॉन्ड है या कोई भी चीज़ें वो अपने आप साफ हो जाएंगी।
देखिए बच्चों को एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो दो मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेज बताया, रिवर्स डे और इन्वायरमेंटल हेल्थ डे, इनके लिए बच्चों को अपने नदियों और अपने पर्यावरण की इंपॉर्टेंस के बारे में समझाया कि अगर नदियाँ हैं तो हम हैं, और नदियाँ नहीं हैं तो हम लोग का भी एग्जिस्टेंस नहीं पॉसिबल है। सिमिलरली अगर हमारा आसपास का वातावरण शुद्ध है तभी हम एक सही मायने में जीवित रह पाएंगे, तो बीमारी से ग्रसित रहेंगे। तो बच्चों को बेसिकली इन चीज़ों के बारे में बताने का ये उद्देश्य था कि बच्चे थोड़ा अवेयर हों, जागरूक हों कि हमें अपने आसपास के नदियों और वातावरण को साफ रखने से क्या फ़ायदा होता है।